Hi guys, good morning. I'm BK Sharma from Icon School, class 3rd, Hindi question answer, day 9. Session 2021-22, first unit test guys. Subject Hindi है, marks 10 है, class 3rd है. दोबारा देखिए, first unit test, marks 10, session 2021-22, first unit test, subject Hindi, marks 10, class 3rd. तो guys, सबसे पहले मैं आपको paper दिखाना चाहूँगा, class 3rd का. ये आपका class 3rd का paper है guys, देख लीजिए. फर्स्ट यूनिट टेस्ट 2021-22 सब्जेक्ट हिंदी क्लास थर्ड मार्क्स 10 फर्स्ट यूनिट टेस्ट चेक कर लीजिए. अब मैं आपको इसको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं गाइस. सबसे पहले हमें क्या करना है, जिन बच्चों ने स्कूल से नोटबुक नहीं ली है वो स्कूल में आकर के अपनी नोटबुक को कलेक्ट कर लें. कल हमने इंग्लिश का पेपर डाला था, आज हम हिंदी का पेपर डाल रहे हैं गाइस. सभी नोटबुकों को एक साथ जमा करानी है 31 अगस्त को. तब तक आप पूरी नोटबुक्स ले लें और डेली हम जो पेपर डाल रहे हैं उनको आप कंप्लीट करें. ये फर्स्ट यूनिट बहुत कंपलसरी है गाइस, इसके मार्क्स आपके जुड़ेंगे लास्ट में प्रोग्रेस कार्ड में, इसलिए सब बच्चों को करना अनिवार्य है. अगर आप इस पेपर को, इस फर्स्ट यूनिट टेस्ट को नहीं देंगे तो आपके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे और आप फेल हो सकते हैं. इसलिए सब बच्चों से मेरा यही कहना है कि अपना फर्स्ट यूनिट टेस्ट जरूर से जरूर दें. इसमें आपको करना क्या है, स्कूल आना है, स्कूल से 6 नोटबुक लेनी है और 6 नोटबुक लेकर के आप ऑनलाइन क्लासेस पे इनको कंप्लीट कीजिए. पिछली वीडियोस को देखिए, आपकी 9 वीडियोस हो गई इसमें, तो आप 1 से लेकर के 9 तक की वीडियोस को देखेंगे. देख करके इन सबको आपको हल करना है. ओके गाइस, अंडरस्टैंड, सी यू टुमारो. पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं, ये कुल टोटल 10 क्वेश्चन है, प्रत्येक को पढ़ के सुना रहा हूं. इस कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है, 1 मार्क्स. बादलों से निकलते समय बूंद के मन की कैसी दशा थी. तीसरा, हवा के वेग से बूंद कहां जाकर गिरी. चौथा, बूंद सीप के मुंह में कैसे पहुंची. पांचवा, बूंद मोती किस प्रकार बनी. छठा, जीर्ण धन ने रामदास के पास क्या रखा. सातवां, जीर्ण धन ने रामदास के पुत्र को कहाँ रखा. जीर्ण धन विदेश क्यों गया. रामदास ने अपना पुत्र जीर्ण धन के साथ क्यों भेजा. जीर्ण धन ने अपनी तराजू रामदास के पास क्यों रखी. ओके गाइस, सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस, बाय.